नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज मैं बात करूंगी नाभि के विषय में कि नाभि अपनी जगह से कैसे हट जाती है, क्या कारण होते हैं उसके, क्या लक्षण होते हैं और क्या उसकी चिकित्सा है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नाभि के विषय में कि नाभि क्या है। तो ये हम जान लेते हैं कि नाभि कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक धड़कन है, ये वायु के दबाव से चलती है। नाभि शरीर का सेंट्रल पार्ट है, ये शरीर को ऊर्जा देती है, पूरे शरीर को ऊर्जा इसी से मिलती है। नाभि के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी के द्वारा संचालित होते हैं। और यदि कभी नाभि खिसक जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे ऑर्गन्स का जो कार्य है वो नेचुरल नहीं हो पाता, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो हमें शारीरिक और मानसिक तौर पे दोनों तरह से परेशान करता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके खिसकने का कारण क्या है, ये अपनी जगह से क्यों हट जाती है। तो इसका खिसकने का मेन कारण जो है वो डाइजेशन है, क्योंकि जब डाइजेशन ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है तो नाभि अपनी जगह से हट जाती है। कभी कभी अधिक वेट उठाने से भी नाभि दिख जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे जिम में लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, उस वेट लिफ्टिंग के दौरान भी कभी कभी नाभि दिख जाती है। और कभी कभी पैर ऊंचे नीचे पड़ जाता है तो भी नाभि हमारी अपनी जगह से छोड़ देती है, जगह से खिसक जाती है। नाभि जब अपनी जगह से खिसक जाती है तो उसकी धड़कन हमें कभी ऊपर सुनाई देती है नाभि के, कभी नाभि के नीचे सुनाई देती है, कभी दाएं सुनाई देती है, कभी बाएं सुनाई देती है। इसी को नाभि का टलना या खिसकना या अपनी जगह से हटना कहते हैं। जब नाभि खिसक जाती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, जैसे भूख ना लगना और नाभि के आसपास दर्द रहना, परेशान होना, इस तरह की परेशानियाँ नाभि के खिसकने से आ जाती हैं। आज मैं आपको नाभि के लिए एक चिकित्सा बताऊंगी और योगासन भी बताऊंगी, ताकि जो नाभि आपकी खिसक गई है या जगह से हट गई है वो ठीक हो जाए और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। ये एक नेवल पंप है। इस नेवल पंप का प्रयोग जब नाभि सेंटर से हट जाती है तो उसको सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। और इसको इस तरह से लगाया जाता है, आप देखें, इसको थोड़ा सा दबा देते हैं इस तरह से ताकि इसके अंदर वैक्यूम बन जाए। इसको नाभि के ऊपर सेट कर देते हैं और 10 मिनट के लिए कम से कम इसको लगा रहने देते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है। इससे नाभि, कई बार तो इससे नाभि बीच में आती हुई भी पता चलती है कि नाभि जो खिसक गई है जहाँ जगह से, वो अंदर की तरफ खींच रही है। पहले जैसे वो दीपक जला करके जो एक तरीके से नाभि को सेट किया जाता था, ये उसी का एडवांस तरीका है। उसमें दीपक जलाकर नाभि के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसमें उस पर गिलास ढक दिया जाता है तो उसके अंदर वैक्यूम बन जाता है। ये एक साइंटिफिक तरीका, बिल्कुल सेफ है। आजकल जो है इस तरीके से ही नाभि को ठीक रखना चाहिए। और इस नाभि पंप को हम मार्केट से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये शायद योगा शॉप पर भी मिल सकता हो और ऑनलाइन तो आपको मिल ही जाएगा। ये आप इस पर लगा हुआ देख रहे हैं, अगर ये थोड़ा ढीला हो जाए, कई बार स्किन छोड़ देता है ये यहाँ जगह पे से, तो इसको वापस दोबारा से इस तरह से दबा करके फिर से लगा दीजिए। कम से कम 10 मिनट ये लगा रहने चाहिए। और जब ये इसको हटाना हो, 10 मिनट पूरे हो जाए और ये ना हटे, तो इसको हल्का सा स्किन के ऊपर हाथ लगाएंगे और इस तरह से ये निकाल के आप इसको बाहर रख देंगे। इसको मंगाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी और आप उस लिंक से देख लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। अब मैं आपको ये दूसरी चिकित्सा बता रही हूँ। इसके लिए एक बाउल में पानी ले लेंगे और बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए, ठंडा, बर्फ़ के जैसा चिल्ड। और टॉवल को, एक मीडियम साइज़ का टॉवल आप देख रहे होंगे, इस टॉवल को इस तरह से एक बिंदी जैसे बना लें, गोल सा बना लें इसको इस तरह से, और गोल बना करके इसको पूरा इसके अंदर डिप कर लें। अब जब ये पूरी तरह डिप हो जाए तो उसको हल्के हाथों से निचोड़ करके, थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर रह जाए
और उसको बिल्कुल बीचों बीच नाभि के ऊपर रख देंगे। दो मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब दो मिनट पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद इस टॉवल को पलट देंगे, और जब दो मिनट इधर से भी पूरे हो जाएं तो इस टॉवल को हटा देंगे। इस तरह से इस चिकित्सा को 3 दिन तक लगातार करेंगे तो इससे भी नाभि सेंटर में आ जाती है। इन दोनों चिकित्सा के साथ साथ मैं कुछ आपको योगासन भी बता रही हूँ, कुछ 5 तरह के योगासन बताऊँगी जो चिकित्सा को के साथ साथ करने से नाभि को सेंटर में लाने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और इन 5 आसनों को आप जब तक आपकी नाभि सेट ना हो जाए, सेंटर में ना आ जाए, रोजाना करें। और वैसे इन जो योगासन मैं आज बताऊंगी, इनको अगर आप परमानेंट करते रहते हैं तो आपकी नाभि जल्दी से हटेगी नहीं और वो स्थान स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आसन हमेशा ही करते रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।